नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत। इस समय सुगौली बहुत ही शोकाकुल है, क्योंकि सुगौली की धरती ने अपना एक बहुमूल्य रत्न खो दिया है। भारत माँ के सपूत और सुगौली के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक श्री महेश चंद्र झा जी का निधन हो गया है। मेरा भारत परिवार महेश चंद्र झा को नमन करता है। महेश चंद्र झा के निधन की खबर सुनते ही सुगौली सहित पूरे चंपारण में शोक की लहर दौड़ गई। हम आपको बता दें कि महेश चंद्र झा सुगौली के प्रतिष्ठित विद्वान रमेश चंद्र झा जी के छोटे भाई थे। महेश चंद्र झा का परिवार अपना एक समृद्ध इतिहास और विरासत रखता है। एक और जहां उनके बड़े भाई रमेश चंद्र झा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और एक साहित्यकार के रूप में समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के हित में सदैव कलम चलाई थी तथा सदा प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी, वहीं दूसरी ओर इसी वीर परंपरा का अनुसरण करते हुए महेश चंद्र झा ने भारत चीन युद्ध में अपनी वीरता का परचम लहराया था। उनके अदम्य साहस और वीरता को चिन्हित करते हुए समस्त देश की ओर से उन्हें वीर चक्र जैसे प्रतिष्ठित मेडल से नवाजा गया था। चंद्र झा जब तक जीवित रहे, अपनी अंतिम सांस तक सुगौली वासियों के हृदय में देश प्रेम और वीरता की भावना भरने का कार्य किया। उनका निधन सुगौली के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति कभी संभव नहीं होगी। महेश चंद्र झा जी को याद करते हुए उनके पौत्र अनुरंजन झा, जो स्वयं देश के बहुत ही समर्थ सत्यान्वेषी और साहसी पत्रकार रहे हैं, उन्होंने हमसे अपनी स्मृतियां साझा की हैं। छोटका बाबा चले गए। छोटका बाबा हमारे बाबा की पीढ़ी के आखिरी व्यक्ति थे जिनका हम लोगों के सर पे हाथ अभी तक था। 85 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। छोटका बाबा वीर चक्र प्राप्त सेनानी थे। आप समझ सकते हैं कि वीर चक्र किसी परिवार में हो तो उसे किसे किस तरीके के गर्व की अनुभूति होती है। बचपन में उन लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन जब बाद में इस बात का एहसास हुआ तो लगा कि हम लोग उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और उसके बाद सेना में परिवार के दूसरे सदस्यों ने अपनी बहुत महती जिम्मेदारी निभाई। आज मैं एक रिसर्च के सिलसिले में इंग्लैंड में हूं, मैं यहीं से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और मैं अपने परिवार के सदस्यों जो लोग गांव में हैं उन सब से कहता हूं कि जो गर्व और जो स्वाभिमान हमारे पूर्वजों ने बनाकर रखा है उसे अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम बरकरार जरूर रखें। छोटका बाबा को एक बार फिर श्रद्धांजलि, नमन।